लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। पंजाब के कई शहरों में आज भी गरीब महंगा इलाज ना करवाने की वजह से बिन मौत मर जाते हैं। बटाला शहर में सरकारी अस्पताल तो था, पर उसमें आईसीयू वार्ड ना होने से मरीज को जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में दाखिल होना पड़ता, पर कई बार आईसीयू का खर्च ना उठा पाने की वजह से गरीब मौत के मुंह में चला जाता। पर अब बटाला सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड का मुहूर्त करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व एमएलए अश्वनी सेखड़ी ने दानी सज्जनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब गरीबों का मुफ्त में आईसीयू में इलाज होगा। वहीं बटाला के मुद्दों पर बात करते हुए सेखड़ी ने कहा कि बटाला के विकास को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी भरोसा मिल चुका है। आज बहुत खुशी का दिन है कि साढ़े बटाला के सिविल हॉस्पिटल च आईसीयू का एक बेड का यूनिट जरा चालू हो गया। इस तो पहला इतों की जी बड़ी अच्छे डॉक्टर की साड़ी टीम है, जिन्होंने सरकार बनने तो बाद इतने साडा डायलिसिस सेंटर शुरू किया और हूँ आईसीयू सेंटर शुरू हो गया। साढ़े शहर के जोड़े लोग ने साडे साथी ने इतों के आवाम ने उन्होंने बीड़ा चक्या। अज सहारा क्लब वालों तीन एंबूलेंस और एक जी मॉर्चरी डेड बॉडी का वाहन जरा इतने डोनेट किया गया और बड़ा खूबसूरत चल रहा। इस तरह जड़ा आईसीयू यूनिट है वह भी इतों के शहर के दानी सज्जना ने डोनेट करके वह यूनिट चालू कराया और चीज़ा लिया के दे देना तो आसान है, पर उन्हें चलाना बड़ा औखा है। मैं डॉक्टर की जी साडे खास तौर पर SMO साहब और बाकी सारी टीम है, सारे इन्हों का स्टाफ है, उन्होंने धन्यवाद करता कि तुम बड़ी खूबसूरती चला रहे हो हॉस्पिटल, साफ सुथरा हॉस्पिटल रहा और इतने अपना जोड़े यूनिट चल रहे हैं आईसीयू के या जरा दूसरा इन्हों का डायलिसिस सेंटर है बिल्कुल बिल्कुल फ्री चलता है, कोई वो पैसा नहीं लिता जाता और सेवा हो रही है। देखो जो बस स्टैंड के प्रोजेक्ट है पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट ने, अजे डिटेल साढ़े को नहीं आई, जो आएगी आपे नॉलेज लैके आवेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बटाले का खास ध्यान कर रहे हैं। मैं चाहवागा कि जोड़ा साढ़ा मझ है ये जो जिले ने पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर तरन तारण ये चार जिले जो ब्यास तोरे पेंदे इन्हों का कमिश्नरेट बनना चाहिए। जिस तरह इन्होंने चार जिले का जोड़ा कमिश्नर जरा जिन्होंने तुम कहते कमिश्नर जरा वा जलंधर है, वह कमिश्नर जलंधर बैठता, अगर बटाला सेंटर च पैंदा दो जिले इधर दो जिले इधर। मैं रिक्वेस्ट कराँगा पंजाब सरकार को जहाँ जिला बनाओ, अगर जिला नहीं बनाना तो कमिश्नर का दफ्तर जरा वा वो बटाले शिफ्ट किया जाए, बटाला जरा माझे का कमिश्नरेट बने, एक जरा कमिश्नरेट जरा वा असं बटाले की मांग करते हैं, बटाले बनना चाहिए। SMO ने दानी सज्जनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि दानी सज्जनों ने मिलकर लाखों की लागत से सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड को बनवाया। जिन गरीबों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता था उनका इलाज अब सिविल अस्पताल में मुफ्त में होगा। आज सिविल अस्पताल बटाला विच शहर के बहुत सारे दानिया के सहयोग नाल एक आईसीयू रूम तैयार किया गया है, जिस विच असी मुढ़लिया सेहत सेवावां जिदे विच थोड़िया उच्चे पद्धर दियां सेहत सेवावां हन वो दित्तियां जाणगियां। इस शहर विच कोई भी आईसीयू नहीं सी, ना ही सिविल अस्पताल बटाला विच आईसीयू चल रहा सी और शहर के सब डिविजनल हॉस्पिटल विच किते भी आईसीयू काम नहीं कर रहा। असी एक पहलकदमी की है जिस विच सानू कुछ दानी सज्जनां ने बहुत सहयोग दिता, इस विच असी वेंटीलेटर डिफिब्रिलेटर और होर इक्विपमेंट दे दवाइयां लिया के रखिया हन जिहड़ियां कुछ बहुत सीरीयस मरीजां नूं दे के उन्हां नूं बचाउण विच एक योगदान पाया जाएगा, एक अहम कदम साडा होवेगा तां कि किसी भी पेशेंट की असी जान बचाउण विच सफल हो सकीए। मैं उन्हां सब लोगों का जिन्हां ने इस विच सानूं सहयोग दिता अपने वालों अपने सेहत विभाग वालों बहुत ही शुक्रिया अदा करता हाँ। नेशनल बस के लिए गुरदासपुर से हेमंत नंदा की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।